चीन के लोग चमगादड़ खाते हैं, कुत्ता भी खाते हैं। इनके यहाँ चार पैरों वाली कुर्सी टेबल को छोड़कर सब कुछ खाया जाता है। दुनिया में ये देश कोरोना महामारी को लेकर पहले से ही बदनाम है। ये वो सारी बातें हैं जिनके बारे में सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि चीन के लोग जहरीले सांपों की खेती भी करते हैं? ये बात सुनकर आपको जरूर झटका लगा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चीन का एक गांव है और इस गांव को सांपों की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ किंग कोबरा, वाइपर और रैटल स्नेक जैसी एक से बढ़कर एक जहरीले सांप पैदा किए जाते हैं। और आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, आज की इस हमारी वीडियो में हम जानेंगे। जिन सांपों के नाम से लोग दूर भागते हैं, ये लोग आखिरकार इसकी खेती क्यों करते हैं? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरी जानकारी आपको मिले उससे भी पहले वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चाइना के जिसिकियाओ नाम के गांव के लोग सांपों की खेती करके इतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। गांव में रहने वाले लोगों का मुख्य स्रोत स्नेक फार्मिंग ही है, जिस वजह से इस गांव को स्नेक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में सांपों की खेती के लिए मशहूर इस गांव में आपको लगभग हर घर में सांपों की खेती करने वाले लोग नजर आएंगे, जिनके घरों में भर भर कर सांप रखे होते हैं। आपको बता दें कि इस गांव की आबादी लगभग 1000 है और यहाँ रहने वाला हर शख्स औसतन 30,000 सांपों को पालता है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर साल करीब करोड़ों की संख्या में सांपों की खेती की जाती है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर केवल दिखावटी सांप होते हैं जिनके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होता, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि यहाँ पर पाले जाने वाले सांपों में एक से बढ़कर एक खतरनाक सांप मौजूद हैं। फिर चाहे वो एक डंक से 20 लोगों को ढेर कर देने वाला कोबरा हो, या फिर अपने जहर से लोगों को कुछ ही मिनटों में पागल कर देने वाले पाइथन और वाइपर सांप हो, इन सांपों के अलावा भी कई सारे खतरनाक सांप शामिल होते हैं। इन सब चीजों को जानने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि ये गांव कितना ज्यादा खतरनाक है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो खिलौनों के साथ नहीं बल्कि सांपों के साथ खेलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि घर में जब लाखों की संख्या में सांप होंगे तो कोई भी उनसे दूर नहीं रह सकता, फिर चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। चाइना के इस गांव में सांपों से लोग बिल्कुल भी नहीं डरते, या फिर आप कह लीजिए कि ये लोग सांपों को अपना दोस्त समझते हैं। और तो और, सांप इनके कर्ता धर्ता होते हैं, और जिस तरह हमारे किसान भाई अनाज की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह इस गांव में रहने वाले लोग सांपों की पूजा करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्यों यहाँ के लोग सांपों को इतनी भारी संख्या में पालकर अपनी जान का जोखिम लेते हैं। तो दोस्तों, इस गांव में सांप को इसलिए पाला जाता है क्योंकि ये लोग सांपों के मांस और शरीर के अन्य अंगों को बाजार में बेच सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, सांप का जहर भी बाजार में बहुत महंगा बिकता है। और अगर आपको अंदाजा नहीं है तो हम आपको बता दें, 1 लीटर खतरनाक सांप का जहर, इसकी कीमत होती है लाखों में, नहीं, करोड़ों में। और जो सबसे खतरनाक सांप का जहर होता है उसके 1 लीटर का प्राइस 3.5 करोड़ है, मतलब सोने से भी महंगा। मिलने वाला सांप का ये जहर इनकी खेती करने वाले लोगों को मालामाल कर देता है। और जहर तो छोड़िए जनाब, चाइना में सांप की मीट की इतनी ज्यादा डिमांड है कि क्या ही बताएं। भले ही इस गांव के लोग सांपों की पूजा करते हैं, लेकिन बाकी पूरे चाइना के लिए सांप केवल उसी तरह है जिस तरह हमारे लिए पनीर की सब्जी, जिस तरह हम पनीर से पनीर के पकोड़े से लेकर मटर पनीर, पालक पनीर की सब्जी तक हर एक वैरायटी की चीज बना सकते हैं, ठीक उसी तरह ये लोग ना सिर्फ सांप की मीट की सब्जी बनाकर खाते हैं बल्कि उसके सूप को बनाकर पीते भी हैं। चाइना के जिनसिकियाओ नाम के इस गांव में एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 स्नेक फार्म्स हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमने 100 स्नेक फार्म्स ही बोला। लकड़ी और शीशे के बक्सों में इन सांपों को पाला जाता है। जब सांप के बच्चे अंडों से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग किया जाता है। सांपों को बूचड़ खाने ले जाने से पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इनका सिर काट दिया जाता है। जब सांप का सिर काटने के बाद वो मर जाते हैं तो उनका मीट निकालकर अलग कर दिया जाता है और फिर चमड़े को अलग करके धूप में सुखाया जाता है, जहां उसके मीट का प्रयोग खाने और दवा बनाने के काम आता है। तो वहीं सांप के चमड़े का इस्तेमाल बैग या फिर बेल्ट वगैरह बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि आखिर यहाँ पर इस गाँव के लोगों को स्नेक फार्मिंग का आइडिया कहाँ से आया। तो दोस्तों, कुछ सालों पहले इस गांव में
यांग होंग चेंग नाम का एक किसान रहता था। एक बार ये किसान इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि गरीबी के कारण वो अपनी दवा के पैसे भी नहीं जुटा पा रहा था। इसी दौरान यांग ने अपना इलाज करने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा और उसकी मदद से दवाई बनाई और वो ठीक हो गया, जिसके बाद इनको ये पता चल गया कि सांप ना सिर्फ इंसान की जान ले सकते हैं बल्कि इनके इंटरनल पार्ट से बनाई गई दवा इंसान की जान भी बचा सकती है। इन सारी चीजों को देखते हुए यांग ने सांपों की खेती शुरू कर दी, जिससे इन्हें बहुत सी चीजों का फायदा हुआ और फिर इनको देखकर इनके गांव के बाकी लोग भी सांपों की खेती करने लगे और सभी धीरे धीरे इसी प्रोफेशन में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आज ये पूरा गांव स्नेक विलेज के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यहाँ के लोग सांपों से नहीं डरते, लेकिन एक सांप है जिससे इन्हें डर लगता है और वो है फाइव स्टेप स्नेक। अब इस सांप के ऐसे नाम के पीछे की वजह बहुत ही डरावनी है, क्योंकि जिस किसी को भी ये सांप काट लेता है वो केवल 5 कदम ही आगे बढ़ पाता है और फिर उसके बाद इस सांप की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस सांप की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा महंगी है क्योंकि इसका जहर बहुत ज्यादा तेज है। इस तरह के सांपों को विशेष तौर पर ग्रो करने के लिए जिन पेड़ों की जरूरत होती है उन पेड़ों को यहाँ पर उगाया जाता है और इन्हीं पेड़ों पर ये सांप अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय से कोरोना महामारी के शुरू होने की वजह से जब ये चीज सामने आई थी कि इस महामारी के फैलने का बड़ा कारण जानवरों का मीट हो सकता है, तब से चीन की सरकार ने कुछ समय के लिए सभी तरह के जानवरों की मीट बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। और जब ये पाबंदी लगी तो इस गांव के कई लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि पूरा साल चलने वाली इस महामारी ने लोगों को खाने तक का मोहताज कर दिया था। हजार लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव के अधिकतर लोग पैसों की तंगी की वजह से बेहाल थे, क्योंकि उन्हें सांपों की खेती के अलावा कुछ और नहीं आता था और सरकार ने जानवरों की मीट के कारोबार को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा लाचार हो गए थे। हालात तो ये भी आ गए थे कि इन्हें चोरी चुपके सांपों की तस्करी करनी पड़ रही थी। हालांकि अब कहानी पलट चुकी है, वापस से चाइना में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, फिर चाहे वहां की मीट मार्केट खुलने लगी हो और जमकर लोग वहां से खरीदारी भी कर रहे हैं। परंतु जब से ये कोरोना वायरस फैला है तब से चाइना की सरकार और वहां के लोग बिल्कुल फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी मरना नहीं चाहता और चाइना ये जानता है कि ये महामारी कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए वहां की सरकार जानवरों के इतने बड़े कारोबार को रोकना चाहती है ताकि चाइना में जानवरों को लेकर संवेदनशीलता बढ़े और लोग उनकी जिंदगी पर भी ध्यान दें, क्योंकि अगर वो स्वार्थी होकर जानवरों को इसी तरह मारते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब वहां के लोगों को जानवरों का मीट खाने के लिए दूसरे देशों से जानवर मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना में तो मगरमच्छ से लेकर सांप और कुत्ते से लेकर बंदर तक हर तरह के जानवर का मीट खाया जाता है, यानी कि ये लोग किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते। ऐसे में जिस हिसाब से ये जानवरों को अपना भोजन बना रहे हैं उससे ये बात तय है कि ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि केवल चाइना में ही जानवरों के मांस को बेचा और खरीदा जाता है, क्योंकि हमें ये बात अच्छे से मालूम है कि ये कारोबार पूरी दुनिया में होता है, जिनमें से एक हमारा देश भारत भी शामिल है। लेकिन दुनिया में हर जगह जानवरों का सेवन एक सीमित मात्रा में होता है, लेकिन चाइना के लोग तो इसे असीमित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और उसी का नतीजा है कि आज हम ये महामारी झेल रहे हैं। क्योंकि अगर ये वायरस चमगादड़ से आया है तो दुनिया में इसे फैलाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार चाइना ही है, और अगर चाइना ने अपनी उल जुलूल चीजें खाने की इस आदत को नहीं छोड़ा तो आने वाले समय में और भी कई तरह की बीमारियां दुनिया भर में कब्जा करेंगी। अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।